जी हैं दिल्ली से, यह सृष्टि शिव की रचना है, तो इस शिव की रचना में मैं शिव को कैसे देखूं? बहुत प्रयास करते हैं पर शिव दिखाई नहीं देते, क्या करें जो सदैव शिव ही दिखाई दे? आप ही कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि शिव की रचना है, पूरी सृष्टि के कण कण में वही समाया है और आप शिव को देखना चाहते हैं। भाई साहब, आप में भी तो वही शिव समाया, वही शिव आपके रूप में भी तो धरती पर है, आईना देख लीजिए, शिव दिख जाएंगे। जी, कोलकाता से भी काफी जिज्ञासाएं आई और सीमा कंचन है भागलपुर से। आपने पिछली बार कहा था कि सांस लेने से भी आसान है शिव की शिष्यता। बहुत लोगों की जिज्ञासा है कि जब ये इतनी आसान विधा है तो इसके लिए इतने मेहनत इतने मारामारी की क्या जरूरत है? हाँ, मैंने कहा था कि शिव की शिष्यता सांस लेने की कोशिश, सांस लेने की क्रिया से भी आसान है। क्यों आसान है? अरे, सांस लेने में सीना दुखता है, तेज सांस लीजिएगा तो आप हाँफने लगिएगा, मन आपका चंचल हो जाएगा। धीरे धीरे सांस लीजिएगा, अगर वायु दूषित है तो फेफड़े में बीमारी आएगी। यानी सांस लेना एक क्रिया है जिसमें आपके हमारे शरीर की ऊर्जा लगती है। शिव शिष्यता में तो शिव को चलाना, इसमें आपकी हमारी ऊर्जा कहां लग रही है? जब आप कर्ता बनेंगे, जब आप कर्म करेंगे, जब आप शिव शिष्यता में बढ़ेंगे, तब तो आपको कोशिश करनी है। वहां सायास होगा, वहां कोशिशें होंगी, प्रयास होंगे। लेकिन जैसे आप शिव की परिधि में घुसेंगे, जैसे आप गुरु की परिधि में प्रवेश करेंगे, अब तो गुरु को ले चलना है। हम लोग अपने से चलते तो कब का शिव हो गए रहते, पूरी दुनिया ही शिवमय हो गई रहती। शिव ले चलते हैं, आप उनके सानिध्य में बढ़ने की कोशिश करिए। उसके बाद तो थोड़ी कोशिश के बाद आराम ही आराम, आपको कुछ करना ही नहीं। बिल्कुल ये बिल्ली वाली स्थिति है, बिल्ली अपने बच्चे को उठा के चलती है। हम लोग बंदर बने हुए हैं, पकड़े हुए हैं, पकड़े हुए तो गिरते हैं भद से। नेक्स्ट जी, भाई सर्वोदय जी हैं हावड़ा से। मैंने पढ़ा है कहीं कि एक वट वृक्ष के नीचे युवा गुरु बैठे हैं, उनके समीप वृद्ध शिष्य गण बैठे हैं, गुरु मौन हैं, परंतु शिष्यों का सभी संशय खुद ही विनष्ट हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि ये संदर्भ कहाँ का है और इसका क्या अर्थ है? ये आदि शंकराचार्य ने इस पंक्ति को लिखा है, उसके पहले दक्षिण उपनिषद भी है, उसमें भी इसका उल्लेख आया। दक्षिणामूर्ति उपनिषद ऐसे है, उसमें भी इसका उल्लेख आया है कि एक विशाल वट का वृक्ष है जिसकी जिसके जड़ के पास, मूल के पास एक युवा गुरु बैठे हैं और उस युवा गुरु के जितने शिष्य हैं सभी वृद्ध। सबसे आश्चर्य की बात है कि वह युवा गुरु कुछ बोलते ही नहीं, तब भी शिष्य उनके शिष्यों का संशय पल प्रतिपल छिन्न हो रहा है, खत्म हो रहा है। मौन ने आपको क्या क्या समझाया है भाई साहब, और बोल के हम लोग क्या समझे? मौन जितना समझा सकता है ठीक है, मौन को पकड़ना थोड़ा कठिन है, शब्द पकड़ में आते हैं, सूक्ष्म शब्द भी असुविधाओं से पकड़ में आते हैं, लेकिन मौन को पकड़ना कठिन है, इसीलिए बोलना पड़ता है। नहीं तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, मौन संभाषण ही दूसरों को प्रेरित कर देगा। शिव तो कुछ बोलते ही नहीं, बोलने की जरूरत ही नहीं, प्रकृति कुछ बोलती ही नहीं, पूरे कार्यक्रम चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है, प्रकृति कहाँ कुछ बोल रही है? वह परमात्मा भी नहीं बोलता है, बोलने की जरूरत ही नहीं है, और बोलने से काम चलता है, करना पड़ता है। प्रकृति करती है, वो शिव करता है, वह परमात्मा करता है, गुरु भी करते हैं, भाषणबाजी से गुरु का काम नहीं चलता है। हाँ, शब्दों को पकड़ना हमारे आपके लिए आसान होता है, इसीलिए गुरु शब्दों का सहारा लेते हैं, लेकिन शब्दों के सहारे शिव तक नहीं जाया जा सकता। शब्द पहले ही खत्म हो जाते हैं, वो आकाश तत्व की तन्मात्रा है, वो शिव, वो भगवती शिव तो उस पांचों तत्वों से बहुत ऊपर हैं, कैसे शब्दों से पकड़ाएंगे? मैंने कहा भी था कि
कि नमः शिवाय, आपको शिव से नहीं मिलेगा, शिव के हरे नाम में, शिव के क्षेत्र में फेंक सकता है, जा नहीं सकता। जी बहन चांदनी है पटना बिहार से, मेरे गुरु शिव हैं। जब भी लेकिन जब भी मुझसे शिव गुरु संबंधित जिज्ञासा पर बोलने के लिए कहा जाता है, मैं घबरा जाती हूँ, मैं ज्यादा बोल नहीं पाती, तो लोग मेरा भाव मापते हैं, कहते हैं मुझमें मेरे गुरु शिव के प्रति भाव और दर्द नहीं है। क्या ज्ञान होना ही शिव के प्रति दर्द और भाव दर्शाता है? ज्ञान होना शिव के प्रति दर्द दिखलाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ज्ञान मस्तिष्क से पैदा होता है, समझ दिमाग से पैदा होती है, और भाव दिल से पैदा होती है, हृदय का पक्ष भाव। तो आपके भाव को वे ही पकड़ेंगे जो भाव से युक्त हैं, भाव से जुड़े हुए हैं, जिनके पास भाव है वो पकड़ लेंगे, लेकिन जिनके पास दिमाग है, जो बोली को पकड़ते हैं, शब्दों को पकड़ते हैं, भाषणबाजी को पकड़ते हैं, वो कहां से पकड़ेंगे? इसलिए दोष आपका नहीं है, दोष बोलने वालों का है, उनके पास भाव की कमी है। उनको समझाइए कि अपना भाव आप ठीक करें, अपनी मन की बात को, अपने मस्तिष्क की बात को दिल में ले जाएं, उस विचार को दिल में उतारें, विचार को दिल में उतारेंगे तभी भाव बनेगा, भाव पकड़ में आचरण से आएंगे, ऐसे नहीं है। जी भाई दिलीप हैं जनकपुर नेपाल से। हम कभी कहते हैं कि मन नहीं है, शिव चर्चाओं में भी बहुत बार हम लोग के साथ ऐसा हुआ कि कभी कहते हैं कि मन नहीं है, कभी कहते हैं दिल नहीं कर रहा है, तो ये मन और दिल क्या दोनों अलग चीजें हैं और ये क्या है? मन तो एक अदृश्य मशीन है, विचारों को पैदा करने की अदृश्य मशीन है, उसको आपका चिकित्सा विज्ञान आपके शरीर में नहीं ढूंढ सकता है। हाँ ब्रेन ढूंढ लेगा, मन नहीं मिलेगा। हम लोग कहते हैं कि हम लोगों का आज मेरा मन दुखी है, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, या हमको आज मीठा खाने का मन नहीं है, कुछ नमकीन है तो खिलाऊ बोलते हैं, यानी आप मन भी नहीं है, शरीर तो नहीं ही है, शरीर के कई अंग बदल दिए गए हैं चिकित्सा विज्ञान के द्वारा, आज तक लोगों के खराब हो जाते हैं तो बदले जाते हैं। हम आप मन भी नहीं है, कभी ना कहते हैं कि मेरा मन आज नहीं है इस काम को करने, यानी जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारी चप्पल टूट गई है, तो भाई चप्पल टूट गई तो आप चप्पल है, आपका मन दुखी है तो आप मन तो नहीं है। मेरे घर की दीवार खराब हो गई, अब दीवार है, घर की दीवार है, आपके घर की दीवार, वैसे आप बोलते हैं मेरा मन आज दुखी है तो आप मन नहीं। आप हैं कौन, हम हैं कौन, इसी का उत्तर ढूंढ लीजिए, उसे शिव, वो शिव मिल जाएगा, वो ईश्वर मिल जाएगा। ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ढूंढ लीजिए कि आप और हम कौन है। कठिन है, अपने में अपनी तलाश करना कठिन है, इसलिए शिव के पास जाइए, वो गुरु भी हैं, उनको अपना गुरु मानिए, शिष्य भाव दीजिए, ड्रामा बंद कीजिए, शिष्य भाव दीजिए, तभी सही स्थिति का पता चलेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप हैं कौन। कुछ नहीं है, हम आप मात्र उसी शिव के एक रूप हैं जो जगत में तमाशा कर रहा है, तमाशा करवा रहा है। जी बहन दुर्गावती हैं कोलकाता से। गुरु की जब गुरु शब्द का जब जिक्र होता है तो लोग उदाहरण में बोलते हैं कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, इसका अर्थ क्या हुआ? हम स्कूल के मास्टरों में हो यानी ये जो शरीर में आत्मा आई है, उपप्राण आया है, ऊर्जा आई है, तो यहां तो भोग है, दुख के दुख है, सुखानुभूति भी है, दुख भी है, परेशानियां भी हैं, बंदिशें भी हैं,
तो कहा जा रहा है कि ये जो शरीर है या तन, ये जो मानव शरीर है, वो तो भाई दुख की लता है, बेलरी है। गुरु अमृत की खान, गुरु के पास जब आप जाएंगे, गुरु से आप जुड़ेंगे, तो वो अमृत आपके जीवन को मैंने परिमार्जित करेगा, शुद्ध करेगा, और व्यक्ति फिर इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होगा।